नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के प्रेस क्लब से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां कतार में जितने भी लोग खड़े हैं ये तमाम पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे खंभे कहे जा रहे हैं। और आज चौथे खंभों ने मिलकर के अपना एक मजबूत खंभा ढूंढा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव। अच्छा, इनका कहना है कि आप मजबूती से चुनाव हार गए। जी सर, चुनाव हार गया। कितने मजबूती से हार रहे हैं? बस जो ही मिला है वो हमारे जनता जनार्दन ने जो दिया है। पत्रकार जनार्दन? हाँ, पत्रकार जनार्दन। तो आप के झा है? जी सर। इनका कहना है कि ये काफी मजबूती से चुनाव हार रहे हैं। जी सर, काफी खुशी के साथ ये व्यक्त कर रहे हैं। तो ये है पत्रकारों की दरिया दिली और यहाँ पर दो दावेदार अध्यक्ष पद के, केशव कुमार जी और केशव कुमार जी और राकेश रंजन उर्फ पंकज जी। तो ये दोनों अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और सचिव के भी दावेदार हैं, कुछ अध्यक्ष के भी दावेदार हैं। उसके बाद ये प्रेस क्लब जो है ये काफ़ी शहर के पौश इलाके में है, गोयनका कॉलेज के मैदान के पास, फील्ड के पास में है ये जगह। और तमाम पत्रकार अब वोटिंग की गिनती शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे चुनाव के लिए, गिनती करने के लिए, एक श्री उमेश झा और दूसरे सर नागिंदर सिंह। और नागिंदर सिंह, और काउंटिंग जारी है? काउंटिंग हो गया क्या? मतगणना जारी है? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मतगणना जारी है। नहीं, काउंटिंग खत्म हो गया, मतगणना जारी है। मैं बात था और रिजल्ट अभी बाकी है और मैं पीछे था तो मतों की गणना गिनी जा रही है। और यहाँ पर श्री उमेश झा जी सीनियर पत्रकार गिनती कर रहे हैं, श्री नागेंद्र सिंह और श्री नागेंद्र सिंह भी साथ में गिनती कर रहे हैं। जी जी, कौन जीते हैं? कौन जीते हैं? पंकज जी, कितने कितना मुड़ से कितने मुड़े जीते हैं? 57। तो अभी चुनाव आयोग ने बिल्कुल सख्ती के साथ कुछ भी अनाउंसमेंट करने से मना किया है। मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे पत्रकार लोग हैं और ये वो लोग हैं जो दिन के 12 बजे भी आपके लिए खबरें छापते हैं, आपके लिए बेचैन रहते हैं, आपके लिए सड़कों पे धूल खाते हैं, आपके लिए गालियां सुनते हैं और आप और प्रशासन के बीच में मजबूत कड़ी बन करके आप। तो 21 वोट से पंकज कुमार यहाँ पर विजयी हो गए हैं। 21 वोट से कितना वोट आया था? 57 वोट केशव कुमार जी को आया और पंकज कुमार जी को कितना है? 36 केशव जी को और 57। अच्छा, 36 केशव जी को और 57 राकेश रंजन और पंकज जी को। तो पंकज जी फाइनली ईटीवी के जो रिपोर्टर है सीतामढ़ी जिला में, न्यूज़ 18 के जो रिपोर्टर हैं सीतामढ़ी जिला में, पंकज कुमार वो यहाँ पर विजयी हुए हैं। न्यूज़ 18 पूर्व ईटीवी रिपोर्टर, न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पंकज कुमार प्रेस क्लब के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जी, हमारे साथ हैं पंकज कुमार और आप नए अध्यक्ष हैं। हम चलते हैं पंकज कुमार जी के पास में। जी पंकज हैं आप तो, आप जीत मुबारक हो, बधाई हो, धन्यवाद। आपके सिर पर नया कमान आया है। अब तक जो प्रेस क्लब की जो व्यवस्था थी कुछ परफेक्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन उससे कुछ और बेहतर कैसे हो? मेरा प्रयास रहेगा प्रेस क्लब को बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था में चलाना और पत्रकारों के लिए 24 घंटा खड़ा रहना और प्रेस क्लब को सीतामढ़ी के मानक जो पटल है उस पर लाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा और जितना बेहतर से बेहतर काम होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। पत्रकार हमेशा मार खाते हैं, प्रशासन से डांट सुनते हैं, कभी कभी गर्दन में हाथ लगाकर धकेल। प्रेस क्लब को इतना मजबूत करूंगा कि पत्रकार का संगठन इतना सीतामढ़ी में मजबूत होगा कि पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी कि प्रेस क्लब से जुड़े लोगों के ऊपर कोई आंख उठा के भी देखे। दूसरे पत्रकार जैसे हम लोग हैं बाहर से, नहीं, कोई भी पत्रकार पत्रकार होता है, पत्रकार दूसरे और तीसरे नहीं होते हैं, पत्रकार का एक समुदाय होता है। तो
उसको अलग नहीं किया जा सकता है, पूरी मजबूती से। जी जी पूरी मजबूती से। और भी पत्रकारों लोगों का सहयोग होगा तब, सभी लोगों का सहयोग होगा तब जी। तो आपके साथ आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। और माले भी आने लगे हैं, सबसे तेज कवरेज वाशु सीतामढ़ी बिहार ने किया है। आप देख सकते हैं कि इनके अखबारों से मैं ज्यादा तेज हूँ। जी हाँ। और हाँ, एक और साहब है शमीम साहब, फारूकी तंजीम के लिए आप लिखते हैं, और न्यूज आपका सुदर्शन न्यूज, सूर्या न्यूज, सूर्या न्यूज चलाते हैं आप। आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। मैं देख रहा था कि यहाँ प्रेस क्लब में कैंडिडेट लोग, हम लोग सब समझ रहे थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट लोग आए और चुनाव नहीं हो, और मैंने पहल की थी कि भाई हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते सचिव पद से और अन्य पद से भी, नामांकन वापस हो जाए और सर्वसम्मति से सभी कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मेरा प्रयास आगे भी रहेगा कि प्रेस क्लब में जो चुनाव है वो चुनाव वो मतदान की नौबत नहीं आवे, आप सर्वसम्मति बनाई जाए, सर्वसम्मति के से सबका चुनाव हो जाए। अध्यक्ष के मतों की गिनती हो चुकी है और अब सचिव कोषाध्यक्ष और जो कार्यकारिणी के मेंबर है उनके लिए मतों की गिनती जारी है। मैं आपको बताऊं कि पंकज कुमार जी पूर्व ईटीवी रिपोर्टर और वर्तमान में न्यूज 18 के रिपोर्टर विजयी घोषित हुए हैं और वो यहाँ पर आज सर्वसम्मति से ले लिया, सर्वसम्मति से इन्होंने वापस किया है। हाँ तो ये ले लिया सर। हाँ बहुत बड़ा बड़ा। आप अमिताभ जी हैं, अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, इससे पहले अभी तक आप ही वर्तमान अध्यक्ष थे सर। ऐसी कौन सी चीजें बाकी रह गई हैं जो आप नहीं कर सके और नए अध्यक्ष से आप उम्मीद करते हैं? नए अध्यक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर तरीके से प्रेस क्लब के विकास के लिए काम करें, इस तरह का काम करें कि सारे टीम को एकत्रित करके रखें। पत्रकारों की बहुत बुरी हालत है, शोषण बहुत होता है पत्रकारों का, पत्रकार द्वारा ही शोषण होता है, यहाँ के बारे में नहीं, बड़े लोग और कॉर्पोरेट घराने के लोग। तो इससे पहले मालिक लोग हैं, तो इससे पहले निर्वाचित पदाधिकारी भी आपको बता चुके हैं कि ये प्रोफेशन जो है सो पेशा नहीं है, लोग सेवा भाव से इसमें आते हैं। अखबार के मालिक लोग बड़ा जुल्म करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा काम करते हैं उस तरह का मेहनताना आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है, हम तमाम पत्रकार आपस में भाई हैं। अब बस एक फॉर्मेलिटी है कि सिस्टम को आगे इसका रूपरेखा कौन बढ़ाएगा, जितने आज जो पीछे रह गए हैं कल वही आगे आएंगे, और आज जो आगे आए हैं वो और मेहनत करके और इससे बेहतर करके दिखलाएंगे। तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। थैंक यू।